आज का सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग कोड 100। इसका टॉपिक अपन ले रहे हैं प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स को समझने के लिए हम दो कांच प्लेट लेते हैं, ग्लास प्लेट्स, जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इसके अंदर यहाँ दो प्लेन्स है, एक तो है वर्टिकल प्लेन और दूसरा हॉरिजॉन्टल प्लेन। पहले हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके पश्चात सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके पश्चात थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में अध्ययन करेंगे एवं फाइनली फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें चार क्वाड्रेंट होते हैं। इन कांच की प्लेटों में अलग अलग पोजीशन पर पॉइंट को रख के उसका प्रोजेक्शन अर्थात प्रक्षेपण करेंगे। सबसे पहले अपन लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहां पर मान लीजिए कोई पॉइंट है ए, ये कोई एक पॉइंट है। इस पॉइंट को देखने के दो तरीके हैं, या तो हम इसको सामने से देखते हैं या फिर हम इसको उसे देखते हैं। इसको देखने के दो तरीके हो सकते हैं। जब हम इसको सामने से देखते हैं तो इसका प्रोजेक्शन है वह यहां पर बनेगा बीपी में, और जब हम ऊपर से देखते हैं तो इसका प्रोजेक्शन बनेगा एचपी। एक्चुअल में यहां से इसकी जो प्रोजेक्शन लाइन है वह हल्के हाथ से फॉरेस्ट पेंसिल से हमारे को लेनी पड़ती है। जैसे हम इसका प्रोजेक्शन लेते हैं प्लेटों पर तो उसके पश्चात ये जो प्लेट है वह क्लॉकवाइज टर्न हो जाती है एवं प्रोजेक्शन लेने के बाद ये प्लेट है वो ऊपर चली जाती है क्लॉकवाइज और ये आ जाती है नीचे। तो मान लीजिए कोई बिंदु है ए जो कि एच पी से 60 mm एबो है, ऊंचाई पर स्थित है, एवं वीपी से यह 40 mm सामने स्थित है, इन फ्रंट है। तो इसका प्रोजेक्शन क्या होगा, कैसे इसको ड्रा करेंगे, तो इसके लिए अपन देखते हैं कि सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है यह है, प्रॉब्लम है अपने आप में, तो इसकी लैंग्वेज क्या होगी। इसकी लैंग्वेज होगी ड्रा दी प्रोजेक्शन ये पहला क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है ड्रा दी प्रोजेक्शन ऑफ ए पॉइंट ए विच इज 60 mm एबो एच एंड 40 mm इन फ्रंट ऑफ यू पी। ये हमारा सवाल है, ये हमारा प्रश्न है जो कि हमने इसको चित्र को देखते हुए डायग्राम को देखते हुए प्रश्न को बनाया है, या प्रश्न को देखते हुए डायग्राम को भी बना सकते हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, अब इसका हल क्या होगा, यह देखने की जरूरत है।
तो हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट इस थ्री डायमेंशनल डायग्राम को ड्रा किए बगैर हम इस क्वेश्चन का हल कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि इसमें जब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, इसका हल करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि वो पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इन चारों में से कौन से क्वाड्रेंट में स्थित है। तो यदि दो शब्द एबो एंड इन फ्रंट, अर्थात ये दो शब्द प्रश्न में यदि हमारे को पढ़ने को मिलते हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो पॉइंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्थित है। अर्थात फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका मतलब ये शब्द आएंगे, एक तो आएगा इन फ्रंट और दूसरा आएगा एबो। ये दो शब्द अगर प्रश्न में स्थित है तो जाहिर है कि वो पॉइंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्थित होगा। अब एक बात तो होगी कि वो कौन से क्वाड्रेंट में स्थित है। दूसरी चीज कि इसको ड्रा करने के लिए हम देखते हैं कि जैसे ही हम इसको प्रोजेक्शन बन जाते हैं, प्रोजेक्शन बनते ही एच पी नीचे आ जाता है और वी पी अपनी जगह पर स्थित रहता है। और यह जो मूल अक्ष है एक्स वाई, जिसके सापेक्ष ये प्लेटें फर्म करती हैं, ये एक्स वाई। तो अब मैं इसको, इस प्रश्न का जो सॉल्यूशन है वो करने जा रहा हूँ। उसका सॉल्यूशन, उसका हल क्या होगा वो देख लीजिए। इस तरह का सवाल का हल ये है कि हम सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे, ये लाइन मूल अक्ष को इंडिकेट करती है एक्स वाई, इस अक्ष को इंडिकेट करती है एक्स वाई। और इसके इसके ऊपर क्या है वीपी और इसके नीचे क्या है एचपी, क्यों कि एचपी नीचे आ गया, क्लॉक वाइज टर्न हो गया। तो इसका मतलब यह है कि ऐसी स्थिति में इस प्लेट है, ये प्लेट तो ऐसे बन गई, अपने आप में देखा जाए तो ये प्लेट ऐसे बन गई। पहले यहां पर क्या था नीचे वीपी, ये वीपी, अब उसके ऊपर क्या आ गई एचपी आ गई, और यहां पर वीपी क्या आई है वीपी है, ठीक है। ये हमारी प्लेट होगी, पोजीशन होगी, प्लेट की पोजीशन होगी प्रोजेक्शन ड्रा करने के बाद में। अब ऐसी प्लेट बनने के बाद में हम देखते हैं कि सवाल में क्या मांग रहा है, उसको कैसे हल करना है वो देखिए। अब ये कहता है पॉइंट ए विच इज 60 mm एबो एच पी, एबो एच पी कितना है 60 mm। इसका मतलब यह है कि एक्स वाई, एबो का मतलब है एच पी, एबो एच पी का मतलब है एक्स वाई तक, एच पी कहाँ तक है एक्स वाई तक, एक्स वाई से ऊपर, एबो का मतलब ऊपर एच पी। तो यहाँ से हम मार्क करके यहाँ पॉइंट लगा देंगे, ये पॉइंट लगा दिया हमने। ये पॉइंट चूंकि वीपी में है इसलिए कैपिटल ए को हम लेंगे स्मॉल एडेस, ए डैश से इंडिकेट करेंगे वीपी में एडेस को, स्मॉल एडेस। और यहाँ से हल्की सी एकदम लाइट लाइन ड्रा करेंगे फोरेज पेंसिल से, बस इसका ही खेल है। ये जो लाइन है प्रोजेक्शन लाइन है वो हमारे को फोरेज पेंसिल से ड्रा करनी है हल्के हाथ से। और इसका प्रोजेक्शन, ये प्रोजेक्शन लाइन है और ये होगी यहाँ से एच पी से कितनी ऊपर है 60 mm। ठीक है, एक बात क्लियर। दूसरी बात है कि 40 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, अर्थात वीपी के सामने। जब वीपी की बात करते हैं तो एच पी में आ जाता है पॉइंट, और एच पी की बात करते हैं तो वीपी में चला जाता है। अब यह कहता है कि यह 40 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, वीपी कहां तक है, ये वीपी है एक्स वाई तक, वीपी के सामने का मतलब एचपी में। अब हम फोरेज पेंसिल से हल्की सी लाइन खींचेंगे इसके ठीक स्ट्रेट, और नाप करके पॉइंट लगा देंगे, हो जाएगा स्मॉल ए। और ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी 40 mm, 40 mm। अर्थात असली जो बिंदु है उसको तो ड्रा करना है एच पेंसिल से, एक्स वाई को भी एच पेंसिल से ड्रा करना है। अब ये लाइन है, ये प्रोजेक्शन लाइन है, इसको ड्रा करना है फोरेज पेंसिल से। अगर इसको ड्रा कर दिया तो सवाल गलत हो जाएगा, इसका हल वो रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए हम ये देखते हैं कि जब प्रश्न में, पहली बात तो ये है कि उस पॉइंट के बारे में पोजिशन को इंडिकेट करनी पड़ती है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है।
तो हमारा ये सवाल होगा कि यह जो पॉइंट है वह फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्थित है, पहली बात। दूसरी बात कि यह एचपी से 60 mm है, वो वीपी में चला जाएगा और वीपी के जो सामने है वह एचपी में चला जाएगा। इस प्रकार से इस सवाल का यह हल संभव होता है जब सवाल है फर्स्ट क्वाड्रेंट का। अब लेते हैं दूसरा सवाल सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। ये तो था फर्स्ट, और अब आता है दूसरा सवाल सेकंड क्वेश्चन। ड्रा द प्रोजेक्शन ऑफ ए पॉइंट बी विच इज 45 mm एबो एचपी एंड 55 mm बिहाइंड वीपी। दूसरा सवाल यह है कि जो पॉइंट है वो कहां स्थित है, तो नोट कर लीजिए यदि एबो और बिहाइंड ये दो शब्द आते हैं, एबो एंड बिहाइंड, ये दो शब्द आते हैं प्रश्न में, तो इसका मतलब है वो पॉइंट है वो सेकंड क्वाड्रेंट में स्थित है। अब आता है कि तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो पॉइंट होगा उसकी प्रोजेक्शन क्या हो जाएगी। मान लीजिए यहां पर स्थित ये भी है, तो यह एचपी से कितना ऊपर है, 45 mm है वो एचपी, यहां से यह 45 mm एचपी से ऊपर है, इसका प्रोजेक्शन आ जाएगा इसके ऊपर, इसका प्रोजेक्शन हो जाएगा यहाँ। एच पी से ऊपर कितना है, 45 mm, और वीपी के वीपी से पीछे की तरफ कितना है, 55 mm, यहाँ से ये दूरी जाएगी 55 mm। तो जितना वो पीछे है वह चला गया एचपी में और जितना ऊपर है वो चला गया वीपी में। तो वीपी में इसका मतलब यह है कि इसकी दो बात है, पहली से तो ये क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में है क्योंकि अब और बी एंड आ गया, हम लोग पॉइंट कहाँ स्थित है, सेकंड क्वाड्रेंट। जब यह पॉइंट ऊपर चला गया इसका मतलब वीपी में 45 mm एक्स वाई से ऊपर चला गया, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया, स्मॉल डी बी डैश, और जो यहाँ पर आ जाएगा वो जाएगा बी। उसके बाद में क्या होता है कि जैसे प्रोजेक्शन ले लेते हैं तो ये प्लेट है वो ऊपर चली जाती है, तो इसकी नई फॉर्मेशन ऑफ द प्लेट क्या हो जाएगी वो देखिए, एक्स ए वाई। अब आप देखेंगे कि नीचे तो वीपी होता है, ऊपर पहले से क्या था, वीपी। प्रोजेक्शन के बाद में ये एचपी भी ऊपर चला गया, इसका मतलब ये है कि प्रोजेक्शन दोनों इसके इस पॉइंट के दोनों प्रोजेक्शन क्या आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे, अर्थात एक ही लाइन में स्थित हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा बी डैश, एक हो जाएगा बी। जितना पीछे है वो चला गया एचपी में और एचपी को लिखते हैं बी से, ये बी, और जितना ऊपर है वो चला गया वीपी में, उसको लिखते हैं बी डैश। वीपी को हम डैश से शो करते हैं। अब हम इसकी प्रोजेक्शन लाइन ड्रा करते हैं कि हाइट लाइन, ये लाइन होगी फॉर रेफरेंस, ये दूरी है जो ब्रिज को जितना ऊपर है कितना है 45 mm, और जितना पीछे है
तो इस प्रश्न का यह हल हुआ। इसमें क्या है, हम ये देखते हैं कि पहली चीज कि वो कितना कौन से क्वाड्रेंट में है, फिर वो जितना पीछे है, जितना पीछे है वो चला गया एचपी में, और एचपी में चला गया उसमें क्या जो जितना पीछे वो चला गया एचपी में, और एचपी में चला गया इसका मतलब केवल बी स्मॉल कैपिटल बी का क्या बन जाएगा स्मॉल बी, और जितना ऊपर है उतना चला गया वीपी में, वीपी में लग जाएगा बी डैश। इस प्रकार से यह बी पॉइंट का प्रोजेक्शन आ गया, ये इसका हल है। अर्थात सेकंड क्वाड्रेंट में सदैव दोनों प्रोजेक्शन जो होंगे वीपी एचपी से जो भी रिलेशन रखने वाले होंगे वो हमेशा दोनों पॉइंट है वो ऊपर शो किए जाएंगे। अर्थात मूल अक्ष से दोनों पॉइंट जब ऊपर हो तो इसका मतलब वो सेकंड क्वाड्रेंट में स्थित है। अब लेते हैं प्रश्न थर्ड, ठीक है, अब यहीं फिनिश कर रहे हैं, थर्ड एंड फोर्थ नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे।